हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1। देखिए दोस्तों, चाहे कोई भी आपकी ब्रांच हो, चाहे आप लॉ कर रहे हैं, सीए सीएस वगैरह, किसी भी ब्रांच में आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है या तो टॉपिक है। तो आज हम लेकर आ गए हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको थोड़े कम समय में, तकरीबन 1 घंटे, आधे घंटे के आसपास, हम आपको पूरे कोर्स का ओवरव्यू देते हैं एक बार, ताकि आप सिर्फ इस वीडियो को ही अगर देखकर चले जाएं तो आप एटलीस्ट पूरा पेपर इसको अटेम्प्ट कर पाएं। 100 मार्क्स का ये एग्जाम आता है, और सीसीएस यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो वहां पर ये के, इसका जो कोड है वो K105 है। तो सीसीएस वाले बच्चों के लिए खासकर ये वीडियो हमने बनाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप बिल्कुल अपना रजिस्टर और पेन वगैरह सब कुछ लेकर बैठ जाइए, और साथ के साथ बिल्कुल जैसे कि ट्यूशन पढ़ रहे हो आप, उसी तरीके से आप इसको लेक्चर को सुनिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट की। तो कॉन्ट्रैक्ट की क्या डेफिनेशन होती है, सेक्शन आप नोट कर दीजिएगा, सेक्शन 2 और क्लोज एच इसका सेक्शन है, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1882 के तहत ये जो एक्ट बना था, 1882 में बना था ये, बिफोर इंडिपेंडेंस बना था, तो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है कॉन्ट्रैक्ट की, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ, यानी कि ऐसे सभी एग्रीमेंट जो कि लॉ में एनफोर्सिएबल कराए जा सकते हैं, मतलब जिनके अगेंस्ट आप कोर्ट में केस कर सकते हैं, केस डाल सकते हैं, वो सारे के सारे एग्रीमेंट ही क्या बन जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। इसके अगर एक सिंपल एक फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो जितने भी एग्रीमेंट हैं अगर उनको हम ऐड कर देते हैं एनफोर्सिएबल बाय लॉ से, यानी कि ऐसी आइटम, ऐसी फैक्ट से हम ऐड कर देते हैं जो कि एनफोर्सिएबल, यानी कि जो एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ है, बहुत सिंपल इसकी डेफिनेशन है, वो ही एग्रीमेंट जो है एनफोर्सिएबल है लॉ के द्वारा, तो वो ही क्या बन जाते हैं दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। अब बात निकल के आती है कि एग्रीमेंट क्या है। तो एग्रीमेंट वो है जहां पर एक पर्सन ऑफर करता है और दूसरा पर्सन उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, और उसके बीच में कुछ कंसिडरेशन होता है, तो उसी को हम एग्रीमेंट बोल देते हैं। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं हम। पर्सन नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ऐसे पर्सन जो कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पाएंगे या किसी कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज नहीं बन पाएंगे। तो पहला आ रहा है इसमें माइनर, यानी कि माइनर वो होता है जिसकी अभी 18 साल की एज नहीं हुई है, लॉ ऐसे परमिशन नहीं देता कि वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सके। सेकेंड जो आता है वो आता है अनसाउंड माइंड। अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का है, यानी कि कोई पर्सन अगर पागल है या जिसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, तो ऐसे पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में नहीं एंटर कर सकते। या फिर थर्ड पे आ जाता है डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, यानी कि एक ऐसा पर्सन है जिसको लॉ ने जो है वो प्रोहिबिटेड किया हुआ है, डिस्क्वालिफाई किया हुआ है कि वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जाएगा। फोर्थ जो आ जाता है वो आ जाता है एन एलियन एनिमी, यानी कि कोई ऐसा, मान लीजिए आप भारत पाकिस्तान की, जो हमारा मित्र है पाकिस्तान, उससे हमारी लड़ाई चल रही है, तो उस केस में वहां के किसी, अगर उस वॉर के टाइम पर अगर हम किसी, जहां पे लॉ हमारा प्रोहिबिटेड करता है कि वहां उससे, पाकिस्तान से हम कोई कांटेक्ट नहीं करेंगे, वहां पर अगर हम जाकर कोई कांटेक्ट करते हैं तो, या फिर वहां का पर्सन कोई यहां पर आकर कांटेक्ट करता है, तो ऐसी सिचुएशंस में जहां पर वॉर चल रही है या कुछ ऐसी सिचुएशंस, कॉल्ड वॉर बनी हुई है, जहां पर लॉ ने स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड किया हुआ है किसी चीज को, तो वहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट मान्य नहीं होते हैं। फिफ्थ जो आ जाता है इसका, आ जाता है एन इंसॉल्वेंट पर्सन, यानी कि एक ऐसा पर्सन है जो कि इंसॉल्वेंट है, जिस दिवालिया जिसे बोलते हैं, तो उसके साथ भी मान्य नहीं होंगे कॉन्ट्रैक्ट। लास्ट जो आ जाता है इसमें, आ जाता है अ कन्विक्ट अंडरगोइंग इंप्रिजनमेंट, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि कैदी है, जो कि सजा काट रहा है, सजा काटने जा रहा है, तो उसके साथ आप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे जितने भी पर्सन हैं जिनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो सारे के सारे देखिए, क्योंकि लॉ ने इन चीजों को प्रोहिबिटेड किया हुआ है, तो आप ये सारे के सारे कौन से हो जाएंगे, ये सारे के सारे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की गिनती में आएंगे, वॉइड एग्रीमेंट हो जाएंगे बेसिकली। देखिए दोस्तों, एक बात हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे कि जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वो तो एक्चुअल में कुछ होता ही नहीं है, वॉइड तो एग्रीमेंट होते हैं, क्योंकि एग्रीमेंट होगा, अगर वैलिड एग्रीमेंट होगा तभी तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो यहां पर बात यह है कि जब ऐसे एग्रीमेंट जो कि स्टार्टिंग से ही वॉइड हो गए, तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाए, यानी कि जो हम डिफरेंस कर रहे हैं, जो एग्जामिनर हमें पूछता है, एक्चुअल में पूछना ये चाहिए उसे कि वॉइड एग्रीमेंट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस उसे पूछना चाहिए। एक्चुअल में जो होना चाहिए वो वॉइड एग्रीमेंट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बीच में होना चाहिए डिफरेंस, क्योंकि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट तो अगर एक तरह से देखें हम, तो वो तो कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि जब
एग्रीमेंट जो है वो ही वॉइड हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट कहां से बना? क्योंकि हम एक बात जानते हैं सभी कि जो सारे के सारे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सारे के सारे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। ये तो हमें पता है कि सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्रीमेंट तो जरूर होते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता कि सारे के सारे एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाए। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि आगे चल के कुछ ऐसी स्थिति आ गई जैसे कि फ्री कंसेंट ना रही या कुछ भी ऐसा हो गया जो कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को नहीं बना पा रहे, तो एग्रीमेंट तो है, जितने कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जितने कॉन्ट्रैक्ट बन चुके हैं वो सारे के सारे एग्रीमेंट तो है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि सारे के सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाए। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट। देखिए दोस्तों आगे आ जाता है वेजनिंग एग्रीमेंट और कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस। इनके डिफरेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला ये टॉपिक है, इसीलिए इसको हमेशा जो एग्जामिनर है वो अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे करेंगे हम, क्योंकि इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं क्योंकि दोनों सेम से लगते हैं। तो आइए आज देख लेते हैं इसको कैसे क्या होता है वेजनिंग एग्रीमेंट और कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेंगे और इसके एलिमेंट्स भी इसी में छुपे हुए हैं, तो इसको बहुत ध्यान से करने की कोशिश करेंगे। एन एग्रीमेंट इन विच, एन एग्रीमेंट सबसे पहले बोला गया एक सिर्फ एक एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाया। देखिए कैसे, एन एग्रीमेंट इन विच वन पर्सन एग्रीज टू पे सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू द अदर पर्सन ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट। यानी कि सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को एग्री हुआ है एक सर्टेन अमाउंट देने के लिए, यहां पर कंसिडरेशन तो है भाई, कंसिडरेशन तो है, इतनी तो वैलिडिटी इसने प्रूव कर दी है, अमाउंट ऑफ मनी देने के लिए तैयार हुआ है टू द अदर पर्सन, यानी कि दो पार्टीज हैं वो भी वैलिड हो गया, ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, यानी कि यहां पर दिक्कत हो गई, या तो वो हैपन होगा या फिर नहीं होगा, ऑफ अ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट, यानी कि इवेंट जो है यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पर क्या है अनसर्टेन है। तो अनसर्टेन जब इवेंट ही अनसर्टेन है और इसकी हम जो एलिमेंट्स हैं वो हमें पता ही नहीं लग पाएंगे, तो ऐसा जो एग्रीमेंट हो गया वो क्या हो गया वॉइड हो गया, और वो कैसा वॉइड हो गया वॉइड अब इनिशियो हो गया, यानी कि किसी पार्टी के पास ऐसा ऑप्शन नहीं है कि वो इसको एनफोर्स करवा सके कहां पर कोर्ट में। भाई क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि हमारा लॉ प्रोहिबिट करता है कि आप सट्टेबाजारी नहीं करेंगे, तो ये पूरी तरीके से जो बिट लगाते हैं जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच है तो कौन जीतेगा, उसमें जो बिट लगाई जाती है कि जो वेजरिंग की जाती है, वेजर जो वेजरिंग करते हैं कि भाई मैं मेरे पैसे इंडिया पे लगे मेरे पैसे पाकिस्तान पे लगे, तो वो नॉन हैपनिंग इवेंट है, यानी कि ऐसे इवेंट है कि वो हैपन हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, इंडिया जीत भी सकता है और नहीं भी जीत सकता है, अनसर्टेन इवेंट्स हैं वहां पर, तो वो ऐसे एग्रीमेंट सारे के सारे वेजनिंग एग्रीमेंट कहलाए जाते हैं और वो होते हैं वॉइड। वहीं हम बात कर लेते हैं कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सबसे पहली तो बात है ये कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि कहीं ना कहीं वैलिडिटी को शो कर रहे हैं, यानी कि एट लास्ट अगर इनका पॉइंट जो हम देखेंगे वो वॉइडेबल तो होगा ही होगा, तो हम देख लेते हैं। चलिए कॉन्टिजेंट जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट है, अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू, यानी कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, ध्यान दीजिए एग्रीमेंट ऑलरेडी बन चुका है यहाँ पे, अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की बात है कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया टू डू कि मैं कुछ करूं और ना करूं, टू डू और टू डू टू नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन, यानी कि या तो वो होगा या फिर वो नहीं होगा। यहाँ पर पूरी तरीके से क्लियर कर दिया गया है, यानी कि कंडीशन यहाँ पर लगा दी गई है, इसको कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं हम, तो और ये कहीं ना कहीं तरीके से वैलिड होते हैं, यानी कि ये एनफोर्सिएबल बाय लॉ होते हैं। तो यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट थे जो कि कॉन्टिजेंट थे, जैसे कि अगर हम कहें कि ए ने प्रॉमिस किया बी को कि अगर आज बारिश होगी तो वो उसे 500 रुपए देगा, तो ये जो है हैपनिंग हैपनिंग हो भी सकती है, कंडीशन लगा दी वहां पर। या फिर अगर एक और एग्जांपल लें कि अगर ए ने एग्री हुआ कि वो अपनी गाड़ी 40,000 रुपए में, अपनी जो सेकेंड हैंड गाड़ी है वो 40,000 रुपए में बी को बेच देगा अगर वह फ्यूचर में एक नई गाड़ी ले लेता है, तो अब बी को कब तक इंतजार करना पड़ेगा, जब तक ए फ्यूचर में नई गाड़ी लेगा, यानी कि ये जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स है ये किस पे डिपेंड करेगी, जब
फ्यूचर में वो चीजें होगी, यानी कि जो पूरा जो कॉन्टिजेंट होता है, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कॉन्टिजेंट होता है, यानी कि पूरी उसकी जो हैपनिंग और नॉन हैपनिंग है वो फ्यूचर पे डिपेंड होती है। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट तो बनेगा ये, यानी कि कब बनेगा, जब बी जो है सॉरी ए जो है नई गाड़ी ले लेगा, तब बी उसको एनफोर्स करवा सकता है लॉ में, कोर्ट में। तो यानी कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि एनफोर्सिबल होंगे कब होंगे, जो फ्यूचर हैपनिंग पर एनफोर्सिबल होंगे, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। दोस्तों देखिए, ध्यान दीजिए, यहां पर रीजनिंग की बात की गई थी, यहां पर कंडीशन लगाई गई है, यानी कि यहां पर बात की गई है, दोनों में फ्यूचर की बात की गई है, लेकिन यहां पर जो है नतीजा निकलेगा या तो इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा, यानी कि इंडिया या तो हारेगा या होगा, लेकिन यहां पर एक सर्टेन है और लॉ इस चीज को, सट्टेबाजी को प्रोहिबिट करता है, तो इसलिए ये जो हो गए अवॉइड हो गए। लेकिन यहां पर फ्यूचर में वो हमें नहीं पता, कंडीशन है कि अगर ए ने वो गाड़ी नहीं भी ली तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं, और अगर ए वो गाड़ी ले लेता है तब वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा और वो एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा, यानी कि वो एनफोर्स करवा सकता है। तो ये इस दोनों के बीच में डिफरेंस है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं, प्रॉमिस किसे कहते हैं। प्रॉमिस कहते हैं अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम प्रॉमिस। जब कोई प्रपोजल है, कोई पर्सन प्रपोज करता है किसी को, किसी चीज को लेकर प्रपोजल देता है, ऑफर देता है, और वो सामने वाला पर्सन उसे एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो प्रॉमिस बन जाता है। तो यहां पर प्रपोजल की हम बात करेंगे, प्रपोजल और ऑफर एक ही चीज है, आप कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे प्रपोजल का मतलब बिल्कुल ऑफर से है। आगे देख लेते हैं एक्सेप्टेंस किसे बोलते हैं। एक्सेप्टेंस मीन्स गिविंग कंसेंट टू द ऑफर, यानी कि आप अपनी कंसेंट, अपनी मंजूरी दे रहे हैं, जो आपको ऑफर किया गया है उसके लिए आप अपनी मंजूरी दे रहे हैं, उसी को हम एक्सेप्टेंस बोलते हैं। जैसे कि इसको एक एग्जांपल के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक्स ऑफर्स टू सेल हिज कार टू वाई फॉर ₹1 लाख। अब 1 लाख यहां पे कंसिडरेशन है। एक्स ने ऑफर किया अपनी गाड़ी बेचने के लिए वाई को, तो वाई एग्री टू बाय द कार फॉर ₹1 लाख, और वाई ने अपनी जो अपनी कंसेंट है, जो अपनी मंजूरी है, वो यहां पर जाहिर की कि ₹1 लाख में मैं ये गाड़ी बिल्कुल ले लूंगा। तो वाई हम यहां पर कहेंगे कि जो वाई था उसकी एक्सेप्टेंस है इस चीज पर। तो ये जो एक्सेप्टेंस है ये इसको बाउंड कर देगा, और यहां पर एक आप देख पा रहे हैं कि एग्रीमेंट बिल्कुल बन चुका है। देखिए दोस्तों, बहुत मुश्किल है हमारे लिए कि आधे घंटे के टाइम लिमिट में हमें एक पूरा कोर्स कवर करना बहुत, लेकिन फिर भी हम आपके ट्राई कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स हम कंप्लीट कर लें। हमारा मकसद ये है कि आपको सारे इंपॉर्टेंट एक बार, जितने भी टॉपिक हैं उनसे आपको एक बार ओवरव्यू करवा लें, ताकि आप कल का जो एग्ज़ाम है, आने वाला जो आपका एग्ज़ाम है, वो आप अच्छे से दे पाए और पूरा अटेम्प्ट कर पाए। चलिए देख लेते हैं इसमें रूल्स रिलेटेड टू वैलिड एक्सेप्टेंस, यानी कि एक्सेप्टेंस से जुड़े हुए कौन से रूल्स हैं, एक्सेप्टेंस कब मानी जाएगी और कब होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए एक्सेप्टेंस। देखिए 10 10 नंबर वाले क्वेश्चन में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर 10 10 नंबर वाले क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चले हम, तो 10 नंबर तक में ये आपको कवर कर सकता है। और अगर 20 मार्क्स में अगर पूछेगा, तो 20 मार्क्स में आपको इस तरीके से पूछ सकता है कि हाफ पार्ट में पूछ लेगा कि वैलिड एक्सेप्टेंस की क्या कंडीशंस हैं, और हाफ जो 10 नंबर है उसमें कोई भी और तरीके का, इसके साथ कोई भी क्वेश्चन वो ऐड कर सकता है। तो देख लेते हैं हम जल्दी से। जो पहली कंडीशन है वो एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड है, यानी कि आपकी एब्सोल्यूट होनी चाहिए, बिल्कुल जैसी जो पर्सन ऑफरी जो है, ऑफरर जो है वो चाह रहा है, वैसी आपकी जो एक्सेप्टेंस है उसी तरीके से होनी चाहिए। सेकंड आ रहा है मैनर इन विच एक्सेप्टेंस इज टू बी गिवन, यानी कि अगर कोई मैनर, स्पेसिफाइड मैनर अगर प्रिस्क्राइब किया गया है, तो उसी मैनर में आपकी होनी चाहिए एक्सेप्टेंस। थर्ड जो है आपका कम्युनिकेशन, यानी कि उस एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन जरूर होना चाहिए। आप अपने मन में ही रख के एक्सेप्टेंस को ये नहीं मान सकते, आप साइलेंट नहीं हो सकते। कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पे साइलेंस को एक्सेप्टेंस माना जाता है, लेकिन वो एक्सेप्शंस हैं, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन कम्युनिकेशन इसका जरूरी होना चाहिए, यानी कि आप जो ऑफरर है, जिस पर्सन ने ऑफर किया है, उस तक आपकी जो, आप जो ऑफरी हैं, आपकी जो एक्सेप्टेंस है, वो उसको कम्युनिकेट होनी चाहिए, यानी कि उस तक जानी चाहिए, तभी वो वैलिड एग्रीमेंट बन पाएगा। नेक्स्ट जो आ रहा है वो आ रहा है बाय हुम और टू हुम, यानी कि उसके द्वारा और किसके द्वारा, यानी कि जो पर्सन, आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी थर्ड पार्टी को अपनी एक्सेप्टेंस दे दो। भाई आपको ऑफर तो किया ए ने, और आप जाके सी को ऑफर, अपनी एक्सेप्टेंस भेज रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। पर्सन
पांचवी जो कंडीशन है इसकी ये है विद इन टाइम लिमिट होनी चाहिए। अगर उसमें प्रिस्क्राइब टाइम, देखिए इसमें टाइम लिमिट में दो कंडीशन आ जाती हैं कि एक तो होता है प्रिस्क्राइब टाइम जो कि ऑफरर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है, और एक इसमें आ जाती है विद इन रीजनेबल टाइम। तो यहाँ पे रीजनेबल टाइम की भी है, यानी कि लिमिट, टाइम लिमिट कौन सी होनी चाहिए, अगर कोई प्रिस्क्राइब की गई है तो वो प्रिस्क्राइब टाइम में ही एक्सेप्टेंस को भेजना चाहिए। अगर प्रिस्क्राइब टाइम नहीं है तो विद इन रीजनेबल टाइम आप उसको एक्सेप्टेंस दे देंगे। तो देखिए लास्ट जो दोस्तों हमारा आ रहा है, सिक्स्थ पॉइंट जो है हमारा, वो है बिफोर लैप्स ऑफ ऑफर, यानी कि ऑफर लैप्स हो जाए, यानी कि उसकी कंडीशंस, उसका टाइम लैप्स हो जाए, उससे पहले ही आपको उसमें एक्सेप्टेंस दे देनी है। वरना तो क्या होगा, अगर जब ऑफर ही लैप्स हो गया तो फिर आप एक्सेप्टेंस आपकी कोई मायने ही नहीं रहेगी, ठीक है ना। जैसे कि कभी कभार होता है कि कोई एप्लीकेशन निकलती है किसी भी सर्टेन पोस्ट के लिए, उसके बाद आप अपनी एक्सेप्टेंस देते हैं। अगर कोई सामने से आपको जॉब ऑफर करता है, उसके बाद आप जब वो उसमें डेट मेंशन रहती है, जैसे कि 31 मार्च लास्ट डेट है, उसके बाद अगर आप एक्सेप्टेंस दे रहे हैं कि हाँ ये मैं जॉब करूंगा, तो जब ऑफर का जो टाइम है वो लैप्स हो चुका है, यानी कि ऑफर ही लैप्स हो चुका है, उसके बाद आप अपनी एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, तो फिर वो वैलिड नहीं होती। देखिए दोस्तों अब आगे हम देख लेते हैं एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कौन कौन से ऐसे एसेंशियल हैं जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। तो देख लेते हैं, नंबर वन पे आ रहा है यहाँ पे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, यानी कि अभी आपने पढ़ा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट के ऑफर भी होना चाहिए और उसके एक्सेप्टेंस भी उसी मैनर में होनी चाहिए। उसके एक्सेप्टेंस के हमने एसेंशियल्स अभी देख लिए हैं। आगे आ जाता है लॉफुल कंसिडरेशन, यानी कि जहाँ पे जो कंसिडरेशन होना चाहिए वो लॉफुल होना चाहिए। आगे आ रहा है, आगे हम डिस्कस करेंगे कि कंसिडरेशन क्या होता है। फ्री कंसेंट होनी चाहिए, इसको भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर एक बता देते हैं कि कंसेंट जो है वो आपकी फ्री होनी चाहिए, मतलब आपकी जो मंजूरी है वो बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, किसी दबाव में नहीं होनी चाहिए। क्रिएट लीगल रिलेशंस, यानी कि जो दोनों पार्टीज के बीच में लीगल रिलेशन जरूर होनी चाहिए, तभी तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को, अगर वहां पे आगे जाकर वो परफॉर्म नहीं होता है, तभी तो आप उसको कोर्ट में एनफोर्स कर पाएंगे। लीगल कैपेबल होनी चाहिए दोनों पार्टीज, यानी कि दोनों पार्टी शुड बी लीगल कैपेबल। लीगल कैपेबल का मतलब क्या है, ऐसा नहीं हो कि पार्टी वहां पर इंसॉल्वेंट हो, ऐसा नहीं पार्टी वहां पर माइनर हो, या ऐसा नहीं पार्टी वहां पर ल्यूनेटिक हो, या फिर दिमागी रूप से कमजोर हो या पागल हो, जो कि इस ऑफर और एक्सेप्टेंस को और इस कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स को फुलफिल ना कर पाए। आगे आ जाता है इसमें एग्रीमेंट इज कैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म, यानी कि एग्रीमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि परफॉर्म किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा एग्रीमेंट नहीं आएगा यहाँ पर जैसे कि आसमान से जाके चांद तारे तोड़ लाऊंगा, इस तरीके की जो स्टेटमेंट्स हैं वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में कि भाई जो पूरी ना की जा सके। चलिए स्टूडेंट्स आगे देख लेते हैं हम कंसिडरेशन किसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 मार्क्स तक में इसको पूछा गया है पास्ट पेपर्स में, तो आप देख लेंगे इसमें कि कंसिडरेशन किसे कहते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर पोज करके इसको डेफिनेशन भी इसकी कॉपी कर सकते हैं। दोस्तों आप साथ में रजिस्टर और पेन जरूर लेके बैठेंगे, और पोज करके आप ये सारी आइटम्स को नोट भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, एज एन एक्ट ऑफ वन पार्टी और द प्रोमिस देयर ऑफ इज द प्राइज फॉर विच द प्रोमिस ऑफ द अदर इज बॉट, यानी कि सिंपल सी बात है, इसमें एक जो चमक कर आ रहा है वर्ड वो निकल के आ रहा है प्राइस, यानी कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो आपके बीच में एग्रीमेंट हुआ था, जो कॉन्ट्रैक्ट बना वो कैसे हुआ होगा, उसके एसेंशियल पार्ट ही क्या थे, अभी जो हमने डिस्कस किए वो थे एक वैलिड कंसिडरेशन, एक लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, यानी कि कुछ ऐसा हवा में नहीं होना चाहिए कि किसी ने किसी को बाइक बेचने का यहां पर प्रोमिस किया तो उसके बिहाफ पे वहां पे कंसिडरेशन होना चाहिए बीच में, यानी कि बाइक जो बेची और खरीदी जानी चाहिए वो किस लिए खरीदी जो बेची जानी चाहिए कि उसके बीच में एक कंसिडरेशन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि 20,000 रुपीज में ए ने कहा बी को कि मैं आपकी जो बाइक है वो मैं खरीद लूंगा 20,000 रुपए में, तो वहां पर जो 20,000 रुपए है वो प्राइस है उस चीज का, उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का प्राइस है वो 20,000, तो वो 20,000 क्या है, वो कंसिडरेशन है, यानी कि कुछ प्राइस होना चाहिए, कुछ डीलिंग होनी चाहिए, उसके बीच में कंसिडरेशन जरूर होना चाहिए। तो दोस्तों तभी एक जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आपका बन पाएगा, बिना कंसिडरेशन के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो वैलिड नहीं होते, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की क्या एसेंशियल्स होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ध्यान रखिए जो कि अगर नॉर्मल सी, अगर सिंपल भाषा में अगर हम समझने की कोशिश करें इसको, अगर जिंदगी से पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अगर हम जिंदगी से कोरिलेट करेंगे तो हम ये समझ जाएंगे कि जो बिना किसी कंसिडरेशन के लिया दिया जाता है सामान वो क्या कहलाता है, वो एक तरह से या तो गिफ्ट बन जाता है या फिर एक अनुदान डोनेशन वगैरह कुछ भी बन सकता है। देख लेते हैं हम आगे, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, अगर वहां पर ऐसे कौन से
हमारे जो एग्रीमेंट है जहां पर हमें कंसीडरेशन की नीड नहीं पड़ेगी, यानी कि नो नीड है वहां पर, हमें कोई नीड नहीं है कि हम वहां पर कंसीडरेशन होना जरूरी है। तो ऐसे कौन कौन से जो है एग्रीमेंट्स हैं? पहला जो आ जाता है इसमें नेचुरल लव एंड अफेक्शन, यानी कि जहां पर लव एंड अफेक्शन होता है वहां पर हमें जरूरत नहीं है कि हम बदले में, फॉर एग्जाम्पल अगर एक वाइफ अपने हस्बैंड को एनिवर्सरी पर अगर फोन गिफ्ट करती है तो वहां पर कंसीडरेशन का होना जरूरी नहीं है। भाई ऐसा थोड़ी कहेगा कि वाइफ ये थोड़ी कहेगी कि तुम भी मुझे लाकर दो एक अच्छा सा गिफ्ट तभी मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगी, ऐसा नहीं होता है। वहां पर कंसीडरेशन की नीड नहीं होती है। कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज, यानी कि जो ऐसी सर्विसेज है जो कि हम पास्ट में दे चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी पर्सन का अगर वॉलेट मिल गया और मैंने जाकर उसे रिटर्न कर दिया और उसने उस पर इनाम की घोषणा की थी 500 रुपए, तो वो जो था वहां पे कंसिडरेशन वापस नहीं होगा। मतलब जब मैं उसे 500 रुपए लेने जाऊंगा तो ऐसा कोई चीज नहीं होगी कि वो मुझे कहे कि आप 500 रुपए तो ले लीजिए लेकिन आप मेरे लिए और भी कुछ करके दीजिए, तो ऐसा कुछ नहीं। जो हम पास्ट ड्यूटीज या वॉलेंट्री सर्विसेज हम कर चुके हैं ऑलरेडी, तो उसके लिए भी जो हम कंपनसेशन लेने जा रहे हैं तो उसके लिए भी हमें कंसिडरेशन की वहां पर नीड नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है प्रॉमिस टू पे अ टाइम बैड डेब्ट, यानी कि जो हम किसी को वादा करते हैं कि हम आपका कर्जा चुका देंगे, हम आपका जो डेब्ट है अब चुका देंगे तब चुका देंगे, और उससे रिलेटेड अगर हम कोई किसी से एग्रीमेंट अगर हम कर रहे हैं तो वहां पर कंसिडरेशन की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल दोस्तों ध्यान दीजिए, हमने सेक्शन भी उसके साइड में लिखे हुए हैं तो हम वहां से आप सेक्शन कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आ गया जहां पर हम एजेंसी को, ये आप सेकंड सेम में आप पढ़ेंगे एजेंसी के बारे में पूरा, तो जहां पर एजेंसी होती है वहां पर भी एजेंसी फॉर्मेशन होता है, जहां पर हमें एजेंसी बनानी होती है तो वहां पर भी आपको कोई नीड नहीं है कि वहां पर आप कंसिडरेशन पे करें। या फिर कंप्लीटेड गिफ्ट, लास्ट जो आ जाता है वो आपका गिफ्ट है। गिफ्ट के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम किसी से गिफ्ट ले रहे हैं या दे रहे हैं तो वहां पर भी कोई नीड नहीं है कंसिडरेशन करने की। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं हम फ्री कंसेंट किसे कहते हैं, जो कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में एक पॉइंट आया था जो कि एसेंशियल था, जो कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, तो वही है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट कहते किसे हैं? जहां पर टू और मोर पर्सन सेट टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम मैनर, यानी कि यहां पर दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों की बात की गई है दोस्तों, और यहां पर बोला गया है कि उनकी कंसेंट तब मान्य होगी, तब मानी जाएगी जब वो एग्री अपॉन द सेम थिंग, यानी कि एक सेम चीज पर, इन द सेम सेंस, यानी कि सेम सेंस में होंगे, एक ही चीज पर एग्री करेंगे। जहां पर वेयर देयर इज नो कंसेंट, जहां पर कोई कंसेंट नहीं होती एट ऑल, जो वहां पर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो वाइड एब इनिशियो होते हैं, यानी कि जहां पर कोई भी कंसेंट नहीं होगी वो वहां पर वाइड एब इनिशियो। वाइड एब इनिशियो का दोस्तों मतलब ये होता है फ्रॉम द बिगनिंग, यानी कि फ्रॉम स्टार्टिंग, यानी कि स्टार्टिंग से ही, जहां पर मान लीजिए कि अगर कंसेंट नहीं है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में या एग्रीमेंट में, कोई कंसेंट नहीं है तो वहां पर सारे के सारे जो एग्रीमेंट होगा वो स्टार्टिंग से ही, मतलब वो देखिए आपने पढ़ा है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब बना? जब जहां पर एग्रीमेंट है। और एग्रीमेंट कब बना? जब जहां पर हम कंसेंट जो है वो फ्रीली एक्वायर की गई है। तो यहां पर आप देखेंगे कि जब एग्रीमेंट ही नहीं बन पाएगा, जब जहां पर वॉइड अभी इनिशियो, यानी कि स्टार्टिंग से ही वो जो कंसेंट ली गई है वो क्या है आपकी फ्री नहीं थी। अब फ्री कंसेंट कैसे बनती है? कंसेंट जो अब मंजूरी, एक जो ऑफरर और ऑफरी के बीच में एक जो कंसेंट हो रही है, मंजूरी हो रही है, वो फ्री कैसे बनी? वो फ्री ऐसे बनी, एक और डेफिनेशन दोस्तों इसकी है जो बहुत सिंपल डेफिनेशन है, अ कंसेंट इज सेड टू बी फ्री इफ इट इज नॉट कॉस्ट बाय द अबव, यानी कि कंसेंट कब फ्री मानी जाएगी? जब वो इनमें से नहीं ली गई है, यानी कि ये वो एलिमेंट्स हैं, अगर इनमें से एक भी एलिमेंट वहां पर मौजूद हुआ किसी भी एग्रीमेंट में, ये जो एलिमेंट्स हैं अगर इनमें से कोई भी एक एलिमेंट मौजूद हुआ वहां पर एग्रीमेंट में, तो आपकी कंसेंट जो है फ्री नहीं होगी, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कॉशन से ली गई है, अंड्यू इन्फ्लुएंस से ली गई है, फ्रॉड से ली गई है, मिस रिप्रेजेंटेशन से ली गई है, या फिर मिस्टेक से ली गई है। दोस्तों कॉशन क्या होता है? जहां पर आप किसी भी पार्टी पर दबाव बनाकर वहां पर आप कंसेंट लेते हैं वो जो है फ्री कंसेंट नहीं मानी जाती। अंड्यू इन्फ्लुएंस वहां पर होता है जहां पर आप जो है वो दूसरी पार्टी से किसी अच्छी पोजीशन में, एक स्ट्रांग पोजीशन में होता है। फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड जो है अपनी वाइफ से दबाव डालकर
जो है वो कंसेंट ले रहा है किसी ऑफर पर, तो वहां पर जो ऑफर होगा, जो वहां पर जो एग्रीमेंट होगा वो कैसा हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। फ्रॉड से अगर ली गई है, फ्रॉड के बारे में आप जानते हैं, धोखाधड़ी अगर किसी की गई है या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि जो रिप्रेजेंटेशन थी वो गलत रिप्रेजेंटेशन देकर ली गई थी, या फिर ऐसा हो गया है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो कि मिस्टेक से आ गए थे, तो उन एलिमेंट्स में जो कंसेंट होगी वो फ्री नहीं होगी। हम कहेंगे वो कंसेंट जो है वो फ्री नहीं ली गई है, तो वो एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं होगी। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये जो डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में इसके 99% चांसेस होते हैं आने के, और काफी वेटेज रखता है, तो देख लेते हैं इसको, अच्छे से समझ लेते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कौन से होते हैं, विच कैन नॉट बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ, यानी कि जिसको आप कोर्ट में केस नहीं कर सकते, सामने वाली पार्टी को आप सू नहीं कर सकते, वो जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ, यानी कि वो एनफोर्स किए जा सकते हैं, यानी कि लॉ उसको मानता है, एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी और मोर ऑफ द पार्टीज, यानी कि ये पार्टी के ऊपर पूरा इसमें जो चॉइस रहती है, चाहे तो वो इसको वॉइड करवा ले। देखिए, अगर पार्टी चाहेगी तो इसको एनफोर्स करवाएगी, तो ये क्या हो जाएंगे, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अगर पार्टी इसको एनफोर्स नहीं कराना चाहेगी, यानी कि इसको पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहेगी इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स को, तो ये वापस घूम के वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे। यानी कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जो कि बिल्कुल शून्य है, यानी कि जिनकी कोई मान्यता नहीं है, जो कि लॉ में एग्जिस्ट नहीं करते। सेकेंड है इसका, डज नॉट गिव राइज टू एनी म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, यानी कि पार्टी के पास, बोथ द पार्टीज, किसी भी पार्टी के पास कोई भी राइट या ऑब्लिगेशन नहीं होता। अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि वॉइड है, तो वहां पर पार्टीज के पास ऑप्शन नहीं होता कि वो इसमें कोई भी जो एलिमेंट्स हैं जो कि ऑब्लिगेशंस जन्म लिए हुए हैं इसमें, या फिर कोई भी राइट्स जो है पार्टी के, तो उसको परफॉर्म करने का उनके पास राइट हो, ऐसे कोई भी राइट इसमें नहीं होते। वहीं अगर हम बात करते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की, तो इसमें पार्टी हैज द ऑप्शन, यानी कि पार्टी के पास ऑप्शन होते हैं, पार्टी अगर चाहे तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वापस से बना सकती है और उसको आगे परफॉर्म करने के लिए उसको जारी रख सकती है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये वॉइड एब इनिशियो होते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये स्टार्टिंग से ही, यानी कि बिगनिंग से ही वॉइड होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे कि कहा गया कि जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है उसमें लॉफुल आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए वो लॉफुल होना चाहिए, यानी कि इलीगल नहीं होना चाहिए, तो जितने भी इलीगल हैं वो सारे के सारे वॉइड हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। वहीं अगर हम बात करें वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की, तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन से है, जो डज नॉट बिकम वॉइड अनलेस द पार्टी, यानी कि जब पार्टी नहीं चाहेगी तब तक उसको वॉइड करार नहीं दिया जाएगा। जब पार्टी अगर कहेगी कि हाँ इसमें से इसको वॉइड कर दो, तो उसको हम वॉइड बोल देंगे। हुज ऑप्शन इज इट, इट इज वॉइडेबल, रेपुडेट्स इट, या तो अगर पार्टी इसको कैरी करना चाहती है कॉन्ट्रैक्ट को, तो कैरी कर लेगी, उसके पास ऑप्शन है, अगर नहीं चाहती तो उसको वॉइड बना देगी। इसमें फोर्थ जो आ जाता है इसका, आ जाता है ऑब्जेक्ट या फिर एलिमेंट कुछ तो रहा होगा जिसकी वजह से वो अनलॉफुल बन गया कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी वजह से उसे हमें वॉइड बनाना पड़ा, यानी कि शून्य, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट मान्यता नहीं है जिसकी, यानी कि जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वॉइडेबल में क्या आता है कि नॉट फ्री कंसेंट, ऐसा होता है कि अगर सामने वाली पार्टी की जो कंसेंट थी वो फ्री नहीं थी, लेकिन फिर भी फ्यूचर में कुछ ऐसा हो जाता है कि पार्टी, अगर सामने वाली पार्टी जिसकी फ्री कंसेंट नहीं थी, वो ऐसा बोल देती है कि नहीं चलो यार कॉन्ट्रैक्ट को आगे कैरी कर लेते हैं, तो वो पार्टी के पास ऑप्शन है कि जिसकी फ्री कंसेंट नहीं थी वो वापस से उस कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडेट्स कर सकती है, यानी कि वापस से उसको कैरी कर सकती है या फिर उसको वॉइड बना सकती है, पार्टी के पास पूरा ऑप्शन होता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज्यादा इसकी चांसेस रहते हैं एग्जाम में आने के लिए, वो नेक्स्ट है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, देखिए पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन वन पर्सन हैज डन समथिंग फॉर अनदर, यानी कि किसी एक पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन के लिए कुछ किया है और पेड मनी ऑन हिज बिहाफ, या फिर किसी के बिहाफ पे, कि देने किसी को थे लेकिन दिए किसी ने है टू थर्ड पार्टी, किसी तीसरे पर्सन को, देन द कोर्ट कम्स फॉरवर्ड ऑन द ग्राउंड। और देखिए, इक्विटी क्रिएट करने के लिए, इक्वालिटी क्रिएट करने के लिए कोर्ट आती है बीच में, और कोर्ट ये कहती है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड माने जाएंगे और उनके बीच में एक म्यूचुअल, उनके बीच में एक मॉरल जो ड्यूटी है वो वहां पर निकल के आई। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपके घर पे कोई भी एक नोटों से भरा हुआ ब्रीफ केस छोड़ गया, तो
तो आपकी ड्यूटी ये बनती है कि, और आपके पड़ोसी के लिए छोड़ के क्या, तो आपकी ड्यूटी क्या बनती है कि आप उसको कंज्यूम ना करें, आप उसको अपने पड़ोसी को जाकर दे दें, या फिर जब आपका पड़ोसी आए वो, या फिर वो जो पर्सन है जो आपके घर पे छोड़ के गया, तो वो आए या फिर आपको पड़ोसी आए उसको कलेक्ट करने के लिए, तो आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है कि आप उसको दें। तो ऐसी जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि कहीं पे जहां पे कंसिडरेशन नहीं था, कहीं पर जहां पर फ्री कंसेंट नहीं थी, वहां पे एक्सेप्टेंस एंड ऑफर नहीं था, लेकिन फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट बन गए अपने आप में, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हम क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। देखिए जो वैलिड एसेंशियल्स होते हैं हमारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए, वो वहां पर अब्सेंस होते हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक्सेप्टेंस एंड ऑफर नहीं होता वहां पर, कंसिडरेशन नहीं होता, फ्री कंसेंट नहीं होती, ठीक है, तो ये सारे तत्व नहीं होते, लेकिन फिर भी एक कॉन्ट्रैक्ट जन्म ले लेता है वहां पर, जिसे हम क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसके फीचर्स क्या क्या हैं? इट इज अ राइट टू अ सम ऑफ मनी। नेक्स्ट जो है, द राइट इज इम्पोज्ड बाय लॉ, यानी कि जो राइट जो है, जैसे कि बात यहां पर की गई थी, कोर्ट बीच में आया था, यानी कि कोर्ट ये बोलेगा या तो भाई आप उस पर्सन का जो बैग है वो लौटा दीजिए, अगर आपने कंज्यूम कर लिया है उसमें से कुछ चीजें, या फिर आपने कुछ पैसे उसमें से कंज्यूम कर लिए हैं, तो आप बिल्कुल सेम उसी अमाउंट कि जो चीजें आपने कंज्यूम की है वो अमाउंट आप उसको दे दीजिए, या फिर वो सेम क्वालिटी की आप चीजें उसको लाकर दे दीजिए, या फिर अगर आपने पैसे कंज्यूम किए हैं तो जितने पैसे आपने 100 रुपए 1000 रुपए जितने भी पैसे आपने कंज्यूम किए हैं वो उस पर्सन को आप वापस लाकर दे दीजिए। नेक्स्ट जो आता है इसमें आता है, द राइट इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन और द पर्सन, यानी कि ये सिर्फ उसी के अगेंस्ट होगा, यानी कि उसी के लिए होगा जिसके बिहाफ पे पैसे छोड़े गए थे, यानी कि ये दो पार्टीज हैं इसमें, या तो वो पार्टी जिसके लिए वो पैसे छोड़े गए थे, या फिर वो पार्टी जो वो पैसे छोड़ के गया था, तो दोनों का राइट यहाँ पर बन जाता है। तो ये है आपके क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट के मेन डेफिनेशन और उसके फीचर्स। दोस्तों आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आप अच्छे तरीके से एग्जाम को देकर आइए, और हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपका एग्जाम कैसा गया, और एग्जाम कैसा आया था, टफ आया था या जैसा भी आया था। देखिए एग्जाम तो जैसा भी आया आपको करके कोशिश यही करनी है कि आप पूरा अटेम्प्ट कर कर आएंगे, उसको अच्छे तरीके से करेंगे, और हमें जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और हमें एनकरेज कीजिए ताकि आगे आने वाली टाइम में हम इसी तरीके की वीडियोस आपको और बनाते रहें, और आप हमें टॉपिक भी बता सकते हैं, आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि किसी खास टॉपिक पर जो हम वीडियोस को कवर करें। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, कैसा था, तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू दोस्तों। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो बनाने का एक खास मकसद है, हम उन बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं जो ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर या फिर कॉलेजेस नहीं है, जिनके पेरेंट्स हैवी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें कोचिंग सेंटर्स में नहीं भेज सकते। फ्रेंड्स, आप भी हमारी इस मुहिम में सहायता कर सकते हैं इन वीडियोस को शेयर करके। फ्रेंड्स, याद रहे, आपका एक शेयर किसी बच्चे की जिंदगी बदल सकता है, तो इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सारी जरूरी वीडियोस आप तक ऐसे ही पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, अगर आप किसी खास तरीके की इन्फॉर्मेशन हमसे चाहते हैं, या अगर आप कोई सजेशन हमें देना चाहते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि किसी खास टॉपिक पर हम वीडियोस बनाएं, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी टॉपिक से रिलेटेड नोट्स चाहते हैं, प्रीवियस पेपर चाहते हैं, 10 ईयर चाहते हैं, या फिर अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, तो आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर या फिर हमारी वेबसाइट पर जाकर सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सारे लिंक्स की जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।